बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मज़े में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरजाना का दस्तरखान। दस्तरखान में आज हमने सोचा कि क्या बनाया जाए, कोई हल्का फुल्का से कुछ ऐसा बनाया जाए। तो उसके लिए आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए सस्पेंस ऑमलेट पराठे। हम बना रहे हैं सस्पेंस खत्म। ऑमलेट पराठे बनाने, तो जिसके लिए हम यहाँ पे मैदा ले लिया आधा किलो, और उसको हमने नमक और नॉर्मल जैसे आटा गूंथा, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने आटा गूंथ लिया नॉर्मली, बिल्कुल लसा अपना पतला जैसे हम करते हैं। इसको हमने गूंद के रख दिया। यहाँ हमने ऑमलेट की तैयारी कर ली है। ऑमलेट के लिए हमने हरी मिर्ची है, थोड़े टमाटर छोटे छोटे पीस में, बिल्कुल हमने ये प्याज और हरा धनिया ये काट लिया है। तो जितने आपने पराठे बने उस हिसाब से मेरे ये आधा किलो में 6 पराठे बने थे। मैंने 4 अंडे लिए थे यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे ऑमलेट का सामान सारा रेडी कर दिया। अब हमारा आटा कम से कम जो इसको आधे घंटे के लिए आप छोड़ देना तो ज़रा अच्छा हो जाता है। आटे को भून के छोड़ देना तो ज़रा अच्छा हो जाता है वो। अब यहाँ पे हम इसके 6 पेड़े निकालेंगे। देखना किस महारत से 6 पेड़े निकलते हैं आधा किलो में से। तो इतने मज़े के बने थे, यानी कि आप चाहें ना तो इस तरह से ये पराठे मतलब बेल के रखते हैं, पेड़े बना के ऑमलेट का सब कुछ काट पीट के रेडी रखे हैं। सुबह बस ये है कि टाइम इतना नहीं होता, तो फटाफट सिर्फ आपने बेलने होंगे क्योंकि आप रेडी करके रखिएगा और सब कुछ काट पीट के ऑमलेट की तैयारी रखिएगा। बस सुबह उठते साथ फटाफट पराठा बेलो, उसमें ऑमलेट डालो और बस बच्चों को लंच में दे दिया, या अगर खा के जाना चाहें नाश्ते में तो भी खा सकते हैं। ईजी भी और बहुत ही टेस्टी, इतना ही मज़े, क्योंकि मैदे के पराठे लच्छेदार बने थे, इतने मज़े थे। यहाँ पर इसको बेल लेंगे रोटी को, और उसके बाद इसे हम रोल बना बना के रखते जाएंगे पेड़े, उसके बाद फिर बेलते जाएंगे और डायरेक्ट खाने में डालेंगे। देखिए इस तरह से हम इसके रोल बना लंबा सा करके ना इसको और फैला के लंबा कर लेंगे ना, ताकि इसके बल ज़्यादा से जितना लंबा होगा उतने बल ज़्यादा आएंगे। ऑयल लगा लेंगे। अच्छा यहाँ पे कलौंजी भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसलिए डाला, मेरे बच्चे वैसे बहुत नखरे करते हैं खाने में तो मैंने डाला। आप चाहें तो डाल सकते हैं कलौंजी, थोड़ी काली वाली जो होती है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इससे हम ये फोल्ड करके ना इस तरह पेड़े बना के आप रख सकते हैं सुबह के लिए, और बस सुबह फिर ये कि ऑमलेट की तैयारी रखें और मज़े से नाश्ते में दें या लंच में दें। देखें यहाँ पे हम ये 4 अंडे मैंने लिए थे, उनको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया। उसके अंदर हम अपने नमक मिर्च और ये जो प्याज वगैरह काटी थी वो मिक्स कर लिया। अच्छा थोड़ा सा दूध डाले, क्योंकि पानी तो नहीं डाल सकते अंडे में, तो दूध डाल दिया हमने थोड़ा सा। उसके अच्छी तरह से हमने इसको हैंड बिकर से खूब अच्छी तरह से फेंट लिया अंडे को। अब हम इसके अंदर अपना वो कटा हुआ मूंग डाल देंगे मसाला। पहले नमक वगैरह डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप लोग अगर तेज़ ज़्यादा कम खाते हो, लेकिन अंडे में तो खैर कम ही डलता है, अंडा खुद भी थोड़ा नमकीन सा होता है तो इसमें कम ही डलता है नमक। मैंने 1/4 टीस्पून तकरीबन मसाले वो डाला है मैंने, और 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी इसके अंदर, पिसी हुई नहीं डाली, कुटी हुई। पिसी हुई से वो लाल लाल हो जाएगा रेड से। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली है इसके अंदर, और ये जो हमने काटी थी प्याज हरी मिर्च हरा धनिया ये मिक्स करके ये वाला ऑमलेट रेडी हो गया। आप ट्राई ज़रूर कर दे करके देखिएगा, आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ये देखें हरा धनिया हर चीज़ बारी बारी मैंने खुद काटी है तो इतनी बारी बारी। और एक छोटा सा मैंने टमाटर ले लिए थे कलर की वजह से, कि ज़रा रेड नीला पीला उधर ज़रा कलर आ जाए ना तो देखने में अच्छा लगता है रंग बिरंगी सा। तो यहाँ पे हमारा ऑमलेट बिल्कुल रेडी है, बस अब हम पराठा बेलेंगे क्योंकि हम पेड़े बना के उसको रोल करके रख चुके हैं। ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। चैनल पे जो लोग मेरे न्यू है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक तो ज़रूरी करना है, वो तो करना ही करना है आपने कुछ भी हो जाए। इस तरह देखें हम इसको बेलते जाएंगे। तो मैदा जारे खालिश मैदे के पराठे थे, इतने मज़े के बने थे, इतने सॉफ्ट, वैसे भी नहीं थे जैसे हो जाते हैं रबड़ की तरह, भी नहीं थे। अच्छा एक तरफ से हमने उधर लगा के उस तरफ से, एक तरफ से हम जो पराठा बिल्कुल डन कर लेंगे और इधर से भी थोड़ा सा डन हाफ डन कर लेंगे, क्योंकि फिर अंडा तो इतनी जल्दी पक जाता है पराठा कच्चा रहेगा, तो इस वजह से हम इस तरफ इस वाली साइड को भी थोड़ा सा हाफ डन करके फिर इसके ऊपर ऑयल लगा के फिर ये अंडा इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करके और इसको टर्न कर देंगे। इस तरफ से ये देखें, इस तरफ से सीख चुका है, तो इतने मज़े के बने थे। इस साथ आप ग्रीन चटनी बना लें या रेड चटनी बना लें, वो जल्दी भी ना, असल में बारिश भी हो रही है हमारे यहाँ ना, चटनी का जहन नहीं रहा, क्योंकि आज मैंने लाइव भी की थी, लाइव के बाद में अपनी रेसिपी में लग गई तो चटनी का जहन से निकल गया, टाइम ही नहीं मिला।
तो फिर हमने बाहर कैचअप से खाया, तो कैचअप से इतना अच्छा लगा, रोल पराठे इतना बन गया ना, जैसे हम रोल पराठा बनाते उसमें चिकन वगैरह डालते हैं, ये एग का था ये, तो बहुत मजे का लग रहा था। बच्चों को बना के इतने शौक से खाएंगे, बड़े बूढ़े जवान हर एज का बंदा बड़े ही इंजॉय कर करके खाएगा ये। लेकिन दूसरा पराठा एक तरफ से फुल डन कर लेते हैं, दूसरी तरफ से हाफ डन करते हैं, उसके बाद उसमें अंडा डालते हैं, ये देखें, क्योंकि अंडा तो 1 सेकंड में पकते हैं, फिर पराठा कच्चा रहेगा, इस तरह से उसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। हर चीज हर एक की हर तरह से ट्राई करते रहना चाहिए। इस तरह से ये 6 पराठे मेरे बन गए थे बहुत आराम से, आधा किलो मैदे में और 4 अंडे थे, तो आराम से हम वैसे भी हम 6 ही पराठे तो एक पराठा खा लिया, हमारा हो गया डिनर पूरा। वैसे मैंने पालक गोभी बनाया था, मैंने तो ये शाम के लिए करना था, लेकिन वो बस देर इतनी हो गई थी, तो बस वो इसी से सबका पेट भर गया था। और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, रेसिपी पूरी वीडियो जो है पूरी देखा करें प्लीज। ये देखिए मैंने तोड़ के दिखा रही, देखिए कोई मुझे होता ना रबड़ की तरह से हो जाता है, देखे ना कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा है ये, देखे बहुत टेस्टी, मैंने खा लिया था खुद ही बहुत मजे का लगा। बच्चे मेरे मुम्बा बहुत अच्छे, तो नाश्ते के लिए मैंने कहा हाँ नाश्ते के लिए सही, शाम में भी चाय से खा सकते हैं, बच्चे ट्यूशन से आते हैं, 2 बजे का लंच किया हुआ होता है, तो किसी टाइम भी बना ले, कोई मना नहीं है, रास्ते में सफर में भी लेके जा सकते हैं, आराम से रोल बनाए, चटनी कैचअप रखे और उसके साथ खाएं, आराम से बिल्कुल चिल करें। तो यहाँ देखिए हमारे पराठे 6 बिल्कुल रेडी है, ये देखें माशाल्लाह इतने यम्मी, इतने खस्ता, इतने सॉफ्ट पराठे बने थे बहुत मजे के। तो अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखानों को आबाद रखे, अल्लाह ताला इसी तरह हमारी रौनक, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, दस्तरखान को बढ़ाता जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी और नई रेसिपी के साथ आप सर दोबारा मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।